वेलकम टू आनंद ऑटो टेक एंड कलीमीटर कोरलबाग दिल्ली और वेलकम टू एमएस ऑटो टेक। जैसा कि मैंने बताया था बहुत लोगों के हमारी टाटा और महिंद्रा के लिए नई डिवाइस आने वाली है और अनबिलीवेबल डिवाइस है। जो लोग मार्केट में अभी गरुड़ा सेल करते हैं ज़्यादातर 99% डुप्लीकेट है। जो आपको मिल रहे हैं 30,000 में, 35,000 में, 40,000 में, वो सारे सब डुप्लीकेट है। तो हमने क्या किया है, हमने हमारा खुद का डिवाइस डेवलप किया है। आपको अब डुप्लीकेट गरुड़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, ये ध्यान से सुनना है, ठीक है ना वीडियो। तो डुप्लीकेट गरुड़ा में क्या होता था, केबलें ख़राब हो जाती थी, कुछ फ्लैशिंग नहीं होता था, कुछ काम नहीं होता था। तो हमने खुद का हमारा डेवलप किया है जो कि महिंद्रा की 12-24 में कार ट्रक में भी काम करेगा और अपनी टाटा में भी कार और ट्रक में काम करेगा। जो भी 24 वोल्ट की गाड़ी है उसमें कनेक्ट करेगा, उसमें 12 से 24 वोल्ट का एडेप्टर लेना पड़ेगा, वो भी हमारे पास जेन्युइन वाला है। उसके अंदर आपको पूरा लाइटिंग दिखाएगा, लाइन चल रही है कि नहीं चल रही है, 1939 चल रहा है कि नहीं चल रहा है, सामने से पावर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पूरा उसमें परफेक्ट दिखाएगा। और आज मैं आपको नया टूल लॉन्च कर रहा हूँ, उसके अंदर क्या है कि ज़्यादातर क्या है, जो VCX SC लेते थे, VX डायरेक्ट नैनो लेते थे, उसमें क्या है यूटिलिटी व्हीकल्स में या फिर फ्लैशिंग में काम नहीं करता था और जो बहुत सारी उसके अंदर दिक्कत आती थी, वो सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। और आज मैं आपको दिखाऊंगा टाटा हैरियर है मेरे पास 2024 मॉडल लेटेस्ट वाली, 2024 मॉडल है, लेटेस्ट वाली है। और मैं आपको इसको स्कैन लगाया हुआ है हमारा टूल्स और सीधा उसको आपको दिखाऊंगा कैसे काम करता है, स्कैनिंग प्रोग्रामिंग सब कुछ काम होगा। अगर आप क्रैक वर्जन लेते हैं तो उसके अंदर कितना काम होगा, प्रोग्रामिंग का उतना नॉलेज नहीं है, तो आपके ऊपर है। बाकी जो भी भाई ओरिजिनल चलाना है, जिसको भी ओरिजिनल सॉफ्टवेयर भी चाहिए, वो भी हमारे पास अवेलेबल हो जाएंगे और उस पर भी ऑटोमेटिक अपडेट आपको आता रहेगा जब तक कंपनी आपके लैपटॉप में छोड़ती रहेगी। ज़्यादातर जो अगर काम करना है टाटा का तो ओरिजिनल सॉफ्टवेयर में प्रीफर करता हूँ, बाकी डुप्लीकेट सॉफ्टवेयर में भी काम होते हैं जो क्रैक वर्जन वाले आते हैं, 99 DS के आते हैं, तो उसके अंदर क्या है बहुत दिक्कत आती है कि वो सर्वर पे कभी नहीं जाता है, फ्लैशिंग में नहीं जाएगा सर्वर पे, वो सब है तो उसका हम जिम्मेदारी नहीं है। अगर ओरिजिनल सॉफ्टवेयर पे काम करेंगे आप और कहीं पे रुकते हैं तो जो हमारे इंजीनियर है आपको सपोर्ट करेंगे, उसका चार्ज आपको अलग से पे करना है। तो मैं आपको दिखाऊंगा सब अपनी हैरियर जो कि आप देख सकते हो, सीधा देखो ये कनेक्ट कर दिया है, ऑटो स्कैन यहाँ पे दिखा दो, देखो आप सफारी है और हैरियर दोनों सेम ही है, कोई भी फंक्शन में आप स्कैन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ लोग वीडियो देख के बोलेंगे ये तो सफारी में आपने स्कैन किया, गाड़ी का भी पूरा वीडियो बता दूंगा आपको कि कौन सी गाड़ी हम स्कैन कर रहे हैं लाइव ही, कोई एडिटिंग वीडियो नहीं है हमारी, लाइव वीडियो है, ये देख रहे हैं आप। और इसका प्राइस भी बहुत ही बेहतरीन है, जो लोग भी भाई लेना चाहेगा अच्छे और गुड प्राइस में है, अब कोई लेने की ज़रूरत नहीं है डुप्लीकेट गरुड़ा। अगर कुछ लोग डायरेक्ट मंगाते हैं तो ये उसको नहीं चलेगा, ये हमारा खुद का डेवलप किया हुआ डिवाइस है इंडियन का, तो लोग देख देख के नेट से फ़ोटो निकाले, वो गलती ना करें, लेने के बाद फिर चलेगा नहीं। अब आप देख डेटा भी दिखा दो कस्टमर को, लाइव डेटा भी दिखा दो। जैसा कि आप देख रहे हैं व्हीकल पैरामीटर में जाना है, सिलेक्ट ऑल कर दो, पूरा एकदम एक्यूरेट दिखाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं कस्टमरों से गुजारिश करूंगा कि भाई डुप्लीकेट गरुड़ा ना ले, अगर डुप्लीकेट गरुड़ा लेते हैं तो ये सब लाइव डेटा जो है
उसके अंदर आपको प्रॉब्लमेटिक आएगा, कनेक्शन भी नहीं होगा और नई गाड़ियों में कनेक्ट भी नहीं होगा। रीड डीटीसी के अंदर भी आप देख सकते हैं, देखो इसके अंदर इतने सारे फोल्ड कोड आए। इसके अंदर एक मिनट, इसके अंदर एक ये भी है फीचर्स है कि आपको अगर, एक मिनट वापस से करता हूँ, आपको अगर कोई फॉल्ट आ रहा है तो एक्यूरेसी पे लेके जाएगा आपको, कौन सा क्या फॉल्ट कर फॉल्ट कोड है, क्या काम करना है। कंपनी ने एक अच्छा यहाँ पे ऑप्शन दिया है, करेक्शन एक्शन। हाँ वो ओरिजिनल सॉफ्टवेयर पे अच्छा चलेगा। ये देखो अभी ये जो आ रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आएगा करेक्शन एक्टिविटी एक्शन। तो ये देखो ये पूरा दिखाएगा कैसे काम करना है, मतलब किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, बस आपको पढ़ा लिखा होना चाहिए। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो तो प्रॉब्लम होगी, कैसे काम होगा कैसे नहीं होगा ये आपको नहीं समझ में आएगा। तो ये पूरा दिखाएगा, ये जूम इन जूम आउट ये सब पूरा है इसके अंदर डिटेल्स। हर एक फोल्ड कोड, पूरी गाड़ी के सिस्टम के हर एक फोल्ड कोड है वो आपको दिखाएगा। यहाँ पे क्लियर फोल्ड कोड कर देता हूँ मैं, यस ये हो गया क्लियर फोल्ड। और एक बार रीड डीटीसी करेंगे, अगर फिर भी आता है आपका, अगर फिर भी आपका कोड आएगा तो जैसे मैंने बताया करेक्शन के अंदर वो सब सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। तो ये सब ध्यान रखना है जो भी लेगा। देखो ये आ रहा है, मतलब कि यहाँ पे लिखा है कि इनवैलिड डाटा रिसीव फ्रॉम ऑल टेरेन कंट्रोल मॉड्यूल, फॉल्ट बी लॉग फॉर ड्राइव मोड फंक्शन, ये फिर एक इनवैलिड रिसीव फ्रॉम एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम कंट्रोल मॉड्यूल बी आर के नॉट इनवैलिड डाटा फॉल्टी। तो ये कन्फर्म फॉल्ट कोड है, तो इसको भी अगर आप चेक करना है यहाँ पे जाके करेक्शन एक्शन में जाना। ये सब काम करने हैं अभी आपको, देखो क्या क्या काम करने हैं कैसे काम करने हैं सारा दिखाया हुआ है। ये सब पूरा दिखाया हुआ है तो यहाँ पे ये सब पूरा पढ़ना है आपको। इंजेक्टर कोडिंग भी है यहाँ पे, इंजेक्टर कोडिंग है, फिर आपको यहाँ पे कोई रिप्लेसमेंट करना है मॉड्यूल तो वो भी है। तो ये सारे जो है ओरिजिनल ये सॉफ्टवेयर है, तो इसके ऊपर ये ओरिजिनल तरीके से काम होगा। आपको ये बस करना आना चाहिए, अगर आपको काम करना नहीं आएगा, अगर ये आपको काम करना नहीं आएगा तो फिर आपको इंजीनियर का हेल्प लगेगा, उसका चार्ज अलग पे करना पड़ेगा। तो ये था हमारा नया डिवाइस। अब आप लोगों को डुप्लीकेट गरुड़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, हमारा खुद का इंडिया का डेवलप किया हुआ, हमारे इंजीनियर ने डेवलप किया है इसको। और ज़्यादा दिमाग ना लगाए सॉफ्टवेयर क्रैक वाले, उससे होगा नहीं ये कुछ भी। अगर वो डिवाइस खोलते हैं तो फिर उसकी वारंटी भी नहीं मिलेगी और उसको ब्लॉक भी हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छे और गुड प्राइस में है, तो बाय बाय गरुड़ा, और न्यू टूल ले लो जिसमें आपका कार का सारा काम होगा, कोई अलग से गरुड़ा लेने की ज़रूरत नहीं। कार में पूरा सॉफ्टवेयर चलेगा, नैनो यूटिलिटी व्हीकल पैसेंजर कार और फ्लैशिंग, क्योंकि यूटिलिटी और फ्लैशिंग नहीं चलते थे वो भी पूरा काम करेंगे, आपको काम करना आना चाहिए। और महिंद्रा के अंदर भी टाटा कार के अंदर फ्लैशिंग, आई स्मार्ट, आई सिक्योर और पूरा, मतलब कि जो भी आप करना चाहते हैं। एक बात बता देता हूँ, चाबी प्रोग्रामिंग में हमारी हेल्प नहीं है, चाबी प्रोग्राम भी ये करेगा लेकिन ये टूल नहीं करता है। लोगों को दिमाग में यही बात घुस रही है कि ये टूल लगा दो काम हो जाए, टूल नहीं करता है। जैसे कंपनी में काम होता है उसका OTP आएगा, OTP जाएगा, तो वो आपको करना आना चाहिए। उसमें चाबी की कोई भी प्रोग्रामिंग में हमारा कोई हेल्प नहीं रहेगा। अगर आपको करना आएगा तो आप खुद कर सकते हो, और टाटा के अंदर भी आप पूरा काम कर सकते हो, चाबी का भी काम कर सकते हो, फ्लैशिंग, मतलब कि जैसे कंपनी में काम होता है, सीधा सीधा बता देता हूँ, आप टाटा और महिंद्रा में जैसे कंपनी में काम होता है वैसे काम होगा। अगर सपोर्ट चाहिए तो इंजीनियर का चार्ज आपको अलग से देना है। और ट्रक के अंदर भी अच्छा काम करेगा, महिंद्रा के ट्रक के अंदर तो वो भी बहुत ही अच्छा काम करता है, लेकिन 12 से 24 वोल्ट का एडेप्टर लगाना पड़ेगा, डिवाइस उड़ गई तो उसकी गारंटी नहीं है। तो ये जो भी भाई लेना चाहेगा अच्छे और गुड प्राइस में मिलेगा, हमारी जोधपुर वाली ब्रांच से भी आप डायरेक्ट जाके ले सकते हैं। MS ऑटोटेक, इनका भी नंबर डाल दूंगा डिटेल्स में, हमारी दिल्ली ब्रांच पे भी मिलेगा और हमारा जो आनंद ऑटोटेक है गुजरात ब्रांच वहाँ से भी मिलेगा। और जो भाई भी डीलरशिप लेना चाहता है ये टूल की, वो हमें पर्सनल में कॉन्टेक्ट कीजिएगा, तो उनके लिए बेस्ट अच्छा ऑफर है, ठीक है। और दोनों ही सॉफ्टवेयर में चलेगा, क्रैक सॉफ्टवेयर में भी चलेगा, ओरिजिनल में भी चलेगा, लेकिन मैं प्रीफर करूँगा अगर आप इतना पैसा खर्च कर रहे हो तो आप ओरिजिनल सॉफ्टवेयर पर चलाओ ताकि आपका ओरिजिनल काम बने। फिर आप डुप्लीकेट सॉफ्टवेयर चलाएंगे काम नहीं होगा तो वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। टूल का काम है, सॉफ्टवेयर का काम है कनेक्ट करना चलना, बाकी आगे आपको दिमाग होना चाहिए कैसे काम करना है, मैकेनिकल क्या काम है, इलेक्ट्रिकल क्या काम है, तो ये सब जानकारी रहेगी तो आप गाड़ी का अच्छा काम कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।